से पहाड़ों का कलेजा कांपने लगता है, मेरी गरज से धरती का सीना लरजने लगता है, और तुम साले कानूनी कीड़े मेरे जुल्म की मखमली दुनिया को गंदा करने आए हो। मैं तुम दोनों को मौत के फंदे में लटकाकर जिंदा चला दूंगा। ये दम तोड़ती हुई चीखें सुन रहे हो? जहां दरिंदों की हुकूमत हो वहां चीखे नहीं तो क्या भजन कीर्तन सुनाई देंगे? सुना है कि अपने आप को किंग कहता है। अगर वो उसकी दुनिया का किंग है तो मैं भी अपनी दुनिया का किंग हूं। लेकिन वो बहुत खतरनाक है। मैं हर खतरे की नाक काटने का हुनर जानता हूं। मैं अभी आता हूं। चेंगुरा साहब, लाल रंग आपके चेहरे पे चमक रहा है, लगता है आज फिर आप पुलिस वालों की लाशें जलाई। जिस तरह नेवले को सांप से नफरत होती है उसी तरह मुझे पुलिस वालों से नफरत है। तो देखना, एक दिन आएगा जिस दिन इस देश में एक भी पुलिस वाला जिंदा नहीं बचा होगा। नफरत की आग को जलाने के लिए हमें दौलत और बारूद की ताकत चाहिए। वो कब मिलेंगे? बहुत जल्दी, डॉन के भेजे हुए हथियार आ ही जाएंगे। लेकिन कैसे, यहाँ तो चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा है। पुलिस जमीन पे झाड़ू मारती रहेगी और हमारे हथियार आसमान का सीना चीर कर आ जाएंगे। वो देख, मिस्टर जंगोरा, आपके बोलने के मुताबिक हमने बारूद, मशीन गन और ठौलर आपको ला कर दिया। उसके बदले में हमको इंसान का किडनी, 100 kidneys मांगता। किडनी यानी गुर्दे मिल जाएंगे। 8 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारे देश में मिट्टी महंगी है और इंसान सस्ते। जाओ। थैंक यू वेरी मच। ले जाओ ये मशीन गन, ये बारूद, ये हथियार और तबाही मचा दो पूरे देश में। मैं ये हुकूमत की बुनियाद को गिराकर अपने हुकूमत की बुनियाद रखूंगा। आई एम अ किंग। हमारे देश की बुनियादों को कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि इन बुनियादों को लाखों शहीदों ने अपने खून से सींचा है। और वो देश का दुश्मन जो मासूमों का खून बहाकर इस धरती पर शोलों की फसल उगाना चाहते हैं, एक न एक दिन कानून उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेगा। सर, कहिए। मैं प्रजासत्ताक दैनिक की प्रेस रिपोर्टर सीमा हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आखिर वो दिन कब आएगा जब देश के दुश्मनों के चेहरे पहचाने जाएंगे? पहचाने जाएंगे जब पब्लिक, प्रेस और पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर उनके खिलाफ ऐलान जंग करेगी। उनके चित्रे उड़ जाएंगे जो देश के घरों में और गलियों में बमों के धमाके करते हैं। कर दिया,
मैंने अस्पताल में बम फिट कर दिया। कम से कम 2000 लाशें गिरेंगी, हुकूमत हिल जाएगी, इंसाफ और कानून पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। अटेंशन प्लीज, जितनी जल्दी हो सके ये हॉस्पिटल खाली कर दीजिए। हॉस्पिटल के अंदर बम रखा हुआ है। तीसरे विश्व युद्ध का धमाका है। मासूम बच्चों की चीखें कानून का कलेजा दहला रही है, मगर यह धमाका करने वालों के हाथ अब तक कानून की हथकड़ियों से बहुत दूर है। एक तरफ वो दहशत फैला रहे हैं और दूसरी तरफ मरीजों के गुर्दे विदेश भेज रहे हैं। न जाने ये बेरहम जल्लाद कौन है और किस भेस में है। क्या मेरा भाई पकड़ा गया? मैं आज ही पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसको छुड़ाऊंगा। नहीं नंदो, इस बार हम उसे कानूनी तौर पे छुड़ाएंगे। पहले खबर लेंगे उस खबरी की जिसने हमारी खबर पुलिस को दी है। तुम्हारी दी हुई खबर सच निकली, तुम जा सकते हो। थैंक यू। मुझे कहां लेके आए हो? अरे बड़े साथ से मिलाने लाया है, और काई के लिए? अगर जिंदा रहना चाहता है तो सच सच बता दे। तूने कुंदन को हमारे बारे में क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया। इंस्पेक्टर कुंदन ने तुम्हारी बहन की सिर्फ एक भयानक तस्वीर खींची थी और तुमने सब कुछ बक दिया। मगर मैं तेरे बहन के भविष्य को भयानक करके दिखाऊंगा। और मैं मेरे भाई का बदला तेरी बहन की इज्जत लूट कर लूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगा। वेरी गुड। अब तो हमारे इस आदमी को लेकर इंस्पेक्टर कुंदन के वहां जाएगा। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आपने मुझे नेक रास्ते पर डालकर मेरी तो दुनिया ही बदल दी। ये मेरा मोसेरा भाई है। गूंगा है बेचारा। नमस्ते करो साहब को। नमस्ते। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर इसने बुराई का रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैंने इसे आपके बारे में बताया तो ये सुधर गया। मैं चलता हूँ, मुझे भीमा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं। आपके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आप जैसे बाइज्जत शहरी को कुछ दिन हवालात में गुजारने पड़े। कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ क्यों रहे हैं? यह साबित हो चुका है कि यह बेगुनाह है और असली मुजरिम तुम हो। हाँ तुम। आज तक रोशनी बनकर तुम मुझे अंधेरे में भटकाते रहे, लेकिन आज ये असलियत सामने आ गई है कि हथियारों का स्मगलिंग तुम करते हो। तुम इतनी बड़ी गाली मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी सर। कानून भी तुम्हारी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या सबूत है कि मैं गद्दार हूं? मैं जानते हो अपने इस पार्टनर को? हाँ, ये तो रवि का भाई है। इंस्पेक्टर देवराज ने इसे अरेस्ट किया है और इसने अपने बयान में कहा है कि ये तुम्हारा पार्टनर है। क्या? ये सब झूठ है सर। ये बयान दे कैसे सकता है? ये तो गूंगा है। अच्छा, ये तो गूंगा भी है। जरा इन्हें बोल के दिखाइए। तुम्हारे डर नहीं तो आज तक मुझे गूंगा बना के रखा था, लेकिन आज मैं चीख चीख कर कहूंगा कि तुमने मुझे स्मगलिंग करने पर मजबूर किया। कमिश्नर साहब, मेरे हर काले धंधे में ये मेरा पार्टनर है। कमिश्नर माथुर और इंस्पेक्टर देवराज की गवाहियों ने साबित कर दिया है कि मुल्जिम कुंदन ही कातिल है, इसलिए अदालत कुंदन के लिए
उम्र कैद की सजा तजवीज करती है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, कुंदन बेगुनाह ये मैं साबित कर सकता हूँ। क्या बात करते हो सर? मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ जिन्होंने कुंदन को फंसाया है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? तुम वो बेवकूफ पुलिस ऑफिसर हो जिसकी अक्ल को फर्ज के बोझ ने दबा रखा है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर, लेकिन आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अपने चपरासी से कहूं साहब को बाहर का रास्ता दिखा दो। रास्ता तो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि पुलिस की नौकरी किस तरह की जाती है और किसी बेगुनाह को सजा दिलाने की सजा कितनी भयानक होती है। और वो लोग जिन्होंने मेरे बेगुनाह बेटे को फंसाया है, अगर उनको मैंने जेल के रास्ते पर न दौड़ाया तो मेरा नाम भी जस्टिस कपूर नहीं। यार नंदू, वो जज पलटी मार गया है और बहुत जल्द तुम दोनों को जेल के रास्ते पर दौड़ाने वाला है। आगे क्या करने का है सोचो। अच्छा मैं देखता हूँ। क्या बात है? बाप ने बेटे को सजा सुना दी, फिर उसकी अकल दौड़ी कि बेटा बेगुनाह है। अगर उसने कुंदन को बेगुनाह साबित कर दिया तो चील के झपटने से पहले जो बोटी उड़ा ले जाता है वही चालाक कौवा कहलाता है। कौन है तुम लोग? वही जिसको तू जेल के रास्ते पे दौड़ाना चाहता था। तो तुम ही हो वो जिन्होंने कानून में कुर्बान होने वाले सिपाही को कतिल बना दिया? हाँ, हमें लोगों ने कुंदन को कानून के रास्ते पे उल्टा दौड़ाया था। और अब मेरा बेटा तुम्हें उस रास्ते पे दौड़ाएगा जिसका अंजाम फांसी की तरफ जाता है। और हम तुझे उसी रास्ते पे सीधे दौड़ाएंगे जिस रास्ते पे आग ही आग होगी। तू भी खाना खा ले। हाँ खा लूंगा। वाह, माचिस की तीली से तोप का काम लेकर तूने कमाल कर दिया। वाह। हाँ, अब हमें कुंदन से कोई खतरा नहीं है क्योंकि जिस कानून के लिए वो खतरों से खेलता था वही कानून तलवार बनकर उसके सर पर लटक रही है। लेकिन मैं कब तक थाली के बैंगन की तरह इधर उधर लुढ़कता रहूंगा? आप ये बताइए कि मैं मंत्री कब बनूंगा? जब दीवार पर नई पिक्चर का पोस्टर लगाना हो तो पहले पुराना पोस्टर फाड़ना पड़ता है। क्या
तुम मंत्री को जान से मार डालोगे? नहीं, पहले हम उसे किडनैप करेंगे, सरकार के फौजी राज पूछेंगे, बाद में उसे आखिरी वोट यानी कि मौत का वोट देकर जिंदगी के चुनाव में जिता देंगे। नहीं, मैं इन लोगों की चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। रुक जाओ कुंदन। अरे भाई, मैं कुंदन नहीं, कन्हैया हूँ। कन्हैया तुम कुंदन हो या कन्हैया, मंत्री जी की जान खतरे में है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। तो मंत्री जी को मैं बचाऊंगा और कमिश्नर साहब को यह साबित कर दूंगा कि मैं भी कुंदन से कम नहीं हूं। बैठ जाओ। ठीक है, जल्दी चलो। अरे यार, वो रवि कहाँ चला गया जिसने कुंदन को अंदर करवाने में और भीमा को आजाद करवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था? डैडी, मैंने उसको देखा, वो कुंदन के साथ जा रहा था। जब अपने आंसू सूख जाते हैं तो लोग दूसरों के आंसू पोंछने चले जाते हैं। ठीक है नेताजी, तुम एक काम करो, तुम जल्दी जाके देवराज को होशियार कर दो, उसे कहना कि गोगा और डागा कमांडो बनकर आएंगे और मंत्री को उठा के लेके जाएंगे। अभी जाता हूँ। अरे बाप रे। और आप? मैं सारी रिपोर्ट लेने के लिए रास्ते में मिलूंगा आपको, जाओ। और तुम दोनों ये हेलीकॉप्टर ले जाके कुंदन और रवि को खत्म कर दो, जाओ। हॉस्पिटल चलते, चलो। नहीं, तुम जाओ, मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है, मंत्री जी की जान को खतरा है, जाओ जल्दी जाओ। आई, जाओ जल्दी जाओ। आज आजादी का दिन है। इधर। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मंत्री जी बाहर आ रहे हैं, मेरे को फोटो खिंचाने का है। इससे पहले कि जंगुरा साहब तेरी आखिरी फोटो खींचे, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या? जेल से भागा हुआ कुंदन मंत्री को बचाने आ रहा है, सावधान हो जा। अरे सावधान क्या हो जाओ? अरे जब मक्खी की मौत आती है तो गोंद चाटने चली आती है और वहीं चिपक के मर जाती है। आने दो साले को, उसको ऐसा मजा चकाऊंगा कि फड़फड़ा के वहीं रह जाएगा। आप जाओ, मैं संभाल लेता हूँ। शाबाश मंत्री जी, एक खतरनाक मुजरिम कुंदन जेल से फरार हो गया। कौन कुंदन? वही कुंदन जिसने कमिश्नर की आंखों के सामने खून किया था? वही मंत्री जी, लेकिन उसकी बातों में नहीं आना, उससे आपकी जान को बहुत खतरा है। लो, खतरा आ भी गया। कुंदन, कानून से बगावत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं कुंदन नहीं, कन्हैया हूँ मंत्री जी। अपनी जान बचाइए, आपकी जान खतरे में। कानून के सीने में खंजर भोंकने वाले, अगर मैं मर भी जाऊंगा तेरी बातों पे भरोसा नहीं करूंगा। पछताएंगे मंत्री जी,
मेरी बात ना मानकर आप बहुत पछताएंगे। मंत्री जी आप इन लोग के साथ जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। अबे छोड़। अरे मौत ने भी आज तक किसी को छोड़ा है जो मैं तुझे छोड़ो। जाइए। आइए मंत्री जी, आइए मेरे साथ आइए प्लीज। पहले मंत्री जी को बचा लूं, फिर तुझसे निपट लूंगा। अरे देखते क्या हो, जाओ पीछा करो उसका। अरे चल मंत्री जी, जाने जा रहे हो, अंदर जाने जा रहे हो, अंदर चल। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये तो शराब है, चल अंदर। क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुंदन पे भरोसा नहीं करके शायद जिंदगी की पहली और आखिरी भूल की। यही भूल अब तुझे धूल में मिला देगी रे मंत्री। चला गोली, लेकिन एक बात याद रखना, कुंदन तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। इससे पहले तेरी भेंट चढ़ाकर कुंदन को बलि का बकरा बना देंगे। चला गोली। पकड़ ले इसे, इसी ने मंत्री का खून किया। कितनी रात हो गई है भैया, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। भैया भैया ये क्या हुआ, किसने मारा तुमको, किसने मारा तुमको? मुझे मुझे चंगुरा ने मारा। तूने मेरे भाई को मार डाला है, आज मैं कसम खाती हूँ कि तेरे आस्तीन का सांप बनकर तुझे डसूंगी और अपने भाई की मौत का बदला लूंगी। आखिर हमारा शक गलत निकला। जिसको हमने मंत्री के खून के इंजाम में अंदर करवाया वो कुंदन नहीं कन्हैया, लेकिन अंदर से जो बाहर आया वो तो कुंदन है। और अब इंतकाम लेने के लिए वो खतरे की घंटी बनकर हमारे सर पर बसता रहेगा। कल तक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे था, आज वो अकेला है।
और अकेला तिनका तूफान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंदो, तुम जाकर मिल मजदूर यूनियन के लीडर का खून कर डालो। शहर में दहशत और खौफ का माहौल बना रहना चाहिए। कोई सबूत नहीं छोड़ा, लगता है कातिल बहुत होशियार है। मैं जानता हूं कातिल कौन है। कौन है कातिल? वही भड़वा नंदू, जिसके इशारे पर तू जुर्म की रंडी बनकर पेशा करता है। और तू क्या यहाँ कलाई में गजरा बांध के मेरा नाच देखने आया है? मैं सिर्फ तुझे ये कहने आया हूं कि मैंने कानून से बगावत कर ली है। जाकर अपने नाजायज बापों से कह देना कि मैं बहुत जल्द उनकी हुकूमतों को हिला कर रख दूंगा। क्या वो जानता है कि खून मैंने किया? हाँ, कानून ने वर्दी उतार कर उसे नंगा कर दिया। अब वो जुर्म की चादर ओढ़कर इस शहर पर हुकूमत करना चाहता है। ना ही एक तख्त पर दो शहंशाह बैठ सकते हैं और ना ही एक अंगूठी में दो उंगली घुस सकते हैं। चलो अभी डायलॉग मत मारो नंदू, वो इंस्पेक्टर को जाके सिखाओ कि जुर्म का खेल कैसे खेला जाता है। पर तूने कहा था कि तू मुझसे मिलना चाहता है, क्या तेरी मिलने की यह चाहत इन बारूद भरे खिलौनों की छांव में होगी? मेरे मुंह से आवाज नहीं आग निकलती है, इसीलिए हमेशा मेरे साथ ये बम बारूद रहते हैं। तू भी मेरे साथ मिल जा, मैं तुझे ऐसा बारूद बनाऊंगा जिसका धमाका सुनकर कानून के माथे पर मौत का पसीना छूट जाए। अगर तूने कोई फितनेगिरी करने की कोशिश की तो वो तुझे उतनी ही महंगी पड़ेगी जितनी उस खरगोश को पड़ी थी, जिसने शेर की दुम को खिलौना समझकर खेलने की कोशिश की थी। मैं खरगोश नहीं, हाथी हूं, और तेरी औकात मेरे सामने एक नारियल की तरह है, जिसको मैं जब चाहे टुकड़े करके फेंक दूं। अब भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी, बहुत बोल चुका है तू। आइंदा फिर कभी गलती से मेरे सामने आ गया तो तेरी बोलती बंद कर दूंगा। जी डैडी। क्या हो रहा है? डैडी क्या है कि आज मेरा दोस्त लाल सिंह मुझे किसी फिल्म डायरेक्टर से मिलाने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस फिल्म में जरूर हीरो बनूंगा। देखा, हीरो बनने जा रहा है, ये नाक बची है वो भी बिरादरी में कटवा डालेगा। लोग बोलेंगे ये ऐसे आदमी का बाप है जो मुंह पे कथा चूना लगा के कथा का लिए करता घूमता है या रेप डांस में कमर मटकाता है। ये सब करना नहीं है, नहीं तो मैं तेरे को कचरे की तरह फुटपाथ पे फेंक दूंगा। बात समझता है कि नहीं? ये तो निकल जा मेरे घर से। डैडी, एक दिन आएगा जब आप मुझे मिलने के लिए जरूर तरसेंगे। उस दिन मैं क्रिकेट और कबड्डी एक साथ खेलकर दिखाऊंगा, सूट पर चड्डी पहनकर दिखाऊंगा, तो लोग कहेंगे ये क्या, और मैं कहूंगा किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। मैं सूट पहनू या चड्डी, किसी को क्या, किसी को क्या। मैं क्रिकेट खेलू या कबड्डी, किसी को क्या, किसी को क्या। चांद को रख लूं पॉकेट में या दिल्ली जाऊं रॉकेट में, मैं चांद को रख लूं पॉकेट में या दिल्ली जाऊं रॉकेट में, किसी को क्या, किसी को क्या। मैग 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 मुझे दुनिया कह कहती है तो कहती रहे मुझे को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या।
सूट पहन या चड्डी, किसी को क्या, किसी को क्या। मैं क्रिकेट खेलूं या कबड्डी, किसी को क्या, किसी को क्या। मुझे भी क्या। यार लाल सिंह एक बात तो बता, मेरा डांस तुझे कैसा लगा? ओ यार बड़ा जबरदस्त, मैं तो कहता हूँ तेरे को डिस्को से लेकर रैप डांस, टैप डांस तक अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू यार। अच्छा ये बता, मैं हीरो बन सकता हूँ कि नहीं? ओ यार हीरो, और मेरा भाई हरा सिंह डायरेक्टर है, तेरे को अपनी फिल्म में हीरो बना देगा। ओ रियली? और थैंक यू यार, थैंक यू। ओए लाल सिंह, ओए पाजी, लाजी ट्रैक्टर, लगता है ट्रैक्टर है? हाँ, लेकिन तुम दोनों की शक्ल तो हूबहू मिलती है, एकदम डुप्लीकेट। ओए डुप्लीकेट तो है वो, जुड़वे हम दोनों जुड़वे भाई है, सगा पढ़ाई है हरा सिंह, तब मैं लाल सिंह। अजीब नाम है हरा सिंह लाल सिंह। ओ कह जी हमारे साथ भी कॉमेडी हो गई है, और जब हमारे माँ के पेट में हम थे ना, तो माँ सफर करते ट्रेन में हैं जी, तो लाल सिंह भी पड़ी तो मैं पैदा हो गया, तो हो गया मैं लाल सिंह, जैसे हरा सिंह भी पड़ गया तो मैं पैदा हो गया हरा सिंह। एक बात बताइए, उस दिन अगर गाड़ी का सिग्नल ना पड़ता तो क्या होता? तो क्या हम अपनी माँ के पेट में पड़े रहते? तेरा मतलब क्या है, हमारे जज्बात से खेलता है तू? नहीं जी नहीं। खिंचा कर रहे तू? जी नहीं। तू एक्टर बनने आया? तू एक्टर है? अपनी शक्ल देख कंडक्टर लग रहे तू? कंडक्टर? ओए तमीज से बात कर, मैं अगर कंडक्टर लगता हूँ तो तू फटी चल लगता है। ओए तमीज से बात करो। ओए तमीज से बात करो। ओए कौन है ये? हाँ चुप। मैंने माफ कर दो जी, दोस्त आएगा जी। अरे तू पागल है? पागल? मैं पागल हूँ? किसने बताया मैं पागल हूँ? अरे यार किसने बताया? ओए लाले लाले, मैं तेरे को मना किया था मेरे कार ना आना, किसी को नहीं मिलवाना, तू पागल है? चल जा। ओए लाल सिंह। हाँ जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।
मैं कौन है? हाँ जी मेरा दोस्त है कड़ी। नमस्ते जी। अच्छा 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 नमस्ते नमस्ते। कोई लड़की देखी है शादी के वास्ते? हैं? ये क्या कर रही है शादी? अरे ओए खोतिया, मैं अपनी नहीं तेरी शादी की बात कर रहा। ओहो मेरे लिए करोड़ बाग दिल्ली 39/33/4 हैं? जाना उधर, लड़की की माँ तेरे को देखना चाहती है। अच्छा और चल मेरे साथ। क्या साथ ले जाए इसको कहानियों को? क्या नाम है कन्हैया को ले जा। चल मैं वहां जाके क्या करूंगा यार, लड़की की माँ मेरे को देखने जाती है। तू लड़की देख, मैं लड़की की माँ को देख लूंगा। आज ही सत श्रीकाल चल। चमेली, अरे मंजू तू? हाँ मैं। अरे तू और तेरा गांव मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चली आई। अच्छा हो गया तू आ गई। क्यों, कोई खास बात? आज मुझे लड़का देखने आने वाला है, तू भी देख ले लड़का कैसा है। चल जल्दी से तैयार हो जा, आता ही होगा। अच्छा मैं अभी तैयार होती हूँ। कौन? नमस्ते जी। नमस्ते जी, अजी इनसे मिलिए जी। ये मैं जानती हूँ, ये तुम्हारा दोस्त होगा और तुम हो लाल सिंह, है ना? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। तो फिर आप कौन है जी? अरे कमाल है, मैंने तुम लोगों को पहचाना और तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। अच्छा आप मेरी होने वाली सास हूँ बेटे। आप लोग बैठो, मैं अभी चप्पा को भेजती हूँ, ठीक है? यार तू तो कमाल है, बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा, जिधर देखा उधर धापा बोल दिया। ओ यार इसमें मेरी गलती नहीं है, ये आजकल की लड़की है ना, ये औरतें माएं बेटियों से ज्यादा मेंटेन करती है, अपने को संभालती है, पता नहीं चलता बेटी कौन है माँ कौन है। ओ चुप कर यार, हम लोग की हीरोइन कब आएगी? हो जाएगी यार, आ जाएगी। सब्र का फल मीठा होता है, तू सब्र कर जितने कर। ओए हाय, इसमें से मेरी वाली कौन सी है? वो तेरे को जो अच्छी लगी ना वो तू ले ले, बाकी तो मेरे लिए छोड़ देना यार। मंजू तुझे कौन सा वाला पसंद है? मुझे तो वो सावला सलोना पसंद है, और मुझे तो वो चोरा दाढ़ी वाला। हर चाहत हुई सयानी, हर चाहत
जरूरत हुई सयानी तू दिल से गुजर ले के बाहों में तू भर ले जवानी के बाहों में तू भर ले के बाहों में तू भर ले जल्दी वापस आ गई। हाँ, आपको एक अजूबा दिखाने। कैसा अजूबा? कन्हैया। इंस्पेक्टर कुंदन तुम? खा गए ना अभी धोखा? ये कुंदन नहीं कन्हैया है, उसका हमशक्ल। क्या कर दो मिस्टर? आजकल हिंदी फिल्मों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ क्यों आए हो? आपकी बेटी का हाथ मांगने। इनकार मत करना बेटी, मुझे इस बात का अफसोस है कि कुंदन जैसे काबिल ऑफिसर का साथ छोड़कर तुमने इस बिगड़े हुए रईस का साथ दिया है। माना कि आपको कुंदन पर बड़ा नाज है, लेकिन ये कन्हैया उससे भी बड़ा रंगबाज है, और वक्त आने पर यह साबित कर दूंगा कि मैं भी कुंदन की तरह उन मुजरिमों को अंधा कर सकता हूं जो जुर्म करने के लिए गुनाहों के आसमान को ताकते रहते हैं। नेक और ईमानदार मंत्री का खून क्यों? मैंने खून नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने उनका खून किया है मैं उन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं, और कल अदालत में उनके नाक नक्शे बता दूंगा। इसका मतलब वो लोग पकड़े जाएंगे? जरूर पकड़े जाएंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ, पुलिस हमारे चित्र लेकर खींच लेगी और हम नहीं बचेंगे। अरे तो फिक्र मत कर नंदू, उसके जेल से बाहर निकलने के बाद हम उसे अदालत तक पहुंचने ही नहीं देंगे, रास्ते में ही खत्म कर देंगे साले।
कन्हैया या कहीं भी हो उसे देखते ही सीधा गोली मार दो। नहीं डैडी, ऐसा जुल्म मत कीजिए, प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिए डैडी। बेटी तुम जानती नहीं उसने फरार होने के लिए पुलिस वालों की लाशें गिराई हैं। वो किसी भी रूप में हो कानून से बच नहीं सकता। अरे ये तो वही है। नंदू, यू आर अंडर अरेस्ट, ले चलो। हेलो जंगुरा साहब, नंदू हथियारों समेत पकड़ा गया है। क्या? नंदू हथियारों समेत पकड़ा गया? जिस ट्रक से हथियार बरामद किए गए वो ट्रक बदलापुर का है और बदलापुर अपने देश की सरहद पर है। मुझे इस बात का यकीन हो रहा है कि उन गुंडों का अड्डा बदलापुर की पहाड़ियों में ही होगा। तुम पुलिस फोर्स लेके सीधा बदलापुर पुलिस स्टेशन चले जाओ और सरहद पर कड़ी नजर रखो। Thank you.
तरफ बढ़ने वाले हर रास्ते पर बारूद की बारिश कर दो। जाओ कमिश्नर साहब, हमारे सारे पुलिस वाले मारे गए, हम में से कोई भी बदलापुर नहीं पहुंच सका। जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां कन्हैया जरूर पहुंचेगा। साहब साहब नमस्ते। इधर उधर क्या देख रहे हो? साहब आप क्या अकेले आए हैं? हम जहां भी जाते हैं अकेले ही जाते हैं। कोई खास खबर? खास खबर है साहब, आज हमारे गांव में फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म की शूटिंग? देख शर्मिली, एक हाथ जाके तो अविनाश को दे देना और उससे कहना अगर वो कल यहाँ मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं यहाँ से खुदकुशी कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, अरे मैं सभी का कर रही है, खुदकुशी करना पाप है। ओए काटे काटे, ओए वो छड़े कौन है तू? काट कर काट कर काट कर काट कर, ओए वो छड़े कौन है तू? बीच में आ गया। अरे भाई ये क्या है यार, शूटिंग चल रही है, चल चल। सुनिए जी ये क्या? अरे यार क्यों मेरा नुकसान कर दो शरीफ बंदे, वो कोने में खड़े होकर शूटिंग देख लेना और ले जाए कुत्ते यार। काम का परेशान करता। ओए ओए फली मार जल्दी, आ जल्दी लगा और ले कैमरा। देख शर्मिली, ये खत जाके तो अविनाश को दे देना और उससे कहना कल वो अगर मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं यहाँ से खुदकुशी कर लूंगी। अरे मैम साहब, खुदकुशी का नाम मत लो। ओ, अरे यार ये कौन बंदा मुझे अनु ले क्या? इधर ले क्या इसको? ये कानून अरे यार दोबारा वापस आ गया, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। अरे क्या गवार आदमी है, सारी शूटिंग का मूड खराब कर दिया। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तेरा? बार बार फ्रेम में गर्दन घुसेड़ तो एक चमाट मारूंगा, गर्दन तोड़ दूंगा तेरा। तू हमारी गर्दन तोड़ेगा? अरे जो हमारी गर्दन तोड़ने की बात कर रहा था ना, हम उसकी गर्दन ऐसे तोड़ा था जैसे बच्चे मासिस की तीली तोड़ते हैं। यार गर्दन छोड़, गर्दन छोड़। क्या डलाक बोलता यार, कमाल है, जिसकी तलाश थी वो मिल गया यार। यार मेरी पिक्चर में काम करोगे? जी हाँ करूंगा। हीरो बनोगे? बनूंगा। और डांस वांस करोगे? हाँ करूंगा, अगर आपकी हसीना मान जाए तो करूंगा। एक उन्हें मानेगी इसकी माँ भी मान जाएगी, इसको पहले चांस मैंने दिया। अरे डायरेक्टर साहब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं नाचूंगी और इस जाहिल बनारसी के साथ। ओए हमको कुछ भी कह दो लेकिन हमारे बनारस को गाली मत दो। ओए ये देखो मैम साहब, हमको बुरा भला कहना तो कह दो लेकिन हमारे बनारस को कुछ नहीं कहना, नहीं तो एक रपट मार कर तेरा ये चांद सा मुखड़ा ना बनारसी पान की दुकान बना दूंगा। अरे ओ पहलवान, काहे गुस्सा करत हो, हम है ना तोरे साथ नाचने के लिए। ये बात हुई ना, अरे हम तोरे साथ ही ताता तैया करेंगे और इस मगरूर हसीना की आंखों में अपने प्यार का रंग भर देंगे। आजा हम दिखाते। बड़ा आया आंखों में प्यार का रंग भरने वाला। हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए, आंखों ही आंखों में इशारे हुए, हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए, दिल तुम्हारे लिए, जान तुम्हारे लिए, दिल तुम्हारे लिए, जान तुम्हारे लिए। Yeah.
मेरे से भी बड़ा हीरो है। हर दो पन्ने के बाद बनारसी बाबू का जिक्र। कोई बात नहीं बनारसी बाबू, अब हम इधर आ गए हैं। अब ना तू किसी की गर्दन तोड़ सकेगा और ना ही किसी की तिजोरी खोल सकेगा। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। उसने मेरे जीने का सहारा छीन लिया। कौन है वो? अरे वो बनारसी। बनारसी बता भगवान बता, मेरी पूजा में ऐसी कौन सी खोट रह गई कि तूने हमसे नजरें फेर ली? क्यों इस इंसानों के जंगल में औरत को शिकार और मर्दों को शिकारी बना दिया? अगर उस साहूकार की वजह से मेरी बेटी की बारात वापस लौट गई तो मैं तेरे सामने इसका गला घोंटूंगी।
फिर ना तुझे कोई भगवान मानेगा और ना कोई तेरी पूजा करेगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो इंसान ना कर सका वो भगवान करेगा। बनारसी बेटे तुम, ये लो मौसी तुम्हारी जमीन के कागजात। बेटे जो इंसाफ हमें कानून नहीं दे सका, वो इंसाफ हम गरीबों को तूने दिलाया है। बनारसी सीधी तरह थाने चल, वरना टांगे तोड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। नया नया दरोगा बना है इसलिए तुझे माफ करता हूं, तू मेरी दरिंदगी को पहचानता नहीं इसलिए तुझे माफ करके तेरे साथ इंसाफ करता हूं। नया जरूर हूं मगर तेरी तारीफ सुन चुका हूं, जितने जुर्म किए हैं वो भी गिन चुका हूं, हर जुर्म की सजा तुझे कानून से दिलवाऊंगा। कसम खा के आया हूं तुझे हथकड़ी पहनाऊंगा, मुझसे टकराएगा तो टूट के बिखर जाएगा, तेरे पैर उधर गिरेंगे और तेरा सर इधर आएगा। ये सर सर फरोश का है, कटने से नहीं डरता है, मौत की धमकी जो देता है पहले वही मरता है। दारोगा जी ये मुजरिम नहीं है, ये तो हम गरीबों का दाता है। दाता बाप की कोख से जन्मा, जुर्म की आंख पर गुनाहों की रोटी सेक सेक कर खाने वाला ये कभी गरीबों का देवता नहीं हो सकता। दारोगा तूने मुझे मौत की गाली दी है, कसम शिव जी की अब मैं तेरे सर पे मौत का नगाड़ा बजाऊंगा। बजेगा, मौत का नगाड़ा जरूर बजेगा, क्योंकि तुझे मारूंगा मैं और शिव जी तेरी मौत का नगाड़ा बजाएंगे। जा दारोगा, ये लो वो कागजात जिसके लिए तुमने बनारसी को पकड़ा है, छोड़ दो इसे। नहीं चाची, ये गलती नहीं करना। मगर ये जान लो, उस कमीने साहूकार ने जमीन गिरवी रखते समय धोखे से कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया था, और अब जब मैं बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहती हूँ तो वो कहता है अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो तभी वो कागजात दे देगा। सारा गाँव जानता है बनारसी बेगुनाह है, ये लो कागजात और छोड़ दो इसे। अरे वाह दरोगा साहब वाह, कमाल कर दिया आपने, जो काम बड़े बड़े अफसर नहीं कर सके वो आपने कर दिखाया। बनारसी जैसे भूत के हाथ से कागजात ले लिए, वाह 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 वाह, लाइए कागजात। दरोगा अगर तूने कागजात साहूकार को दे दिए तो भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। अबे मुंह बंद रख अपना, बनना दरोगा साहब बत्ती सी तोड़ के पत्थर मुंह में दे देंगे तेरे। क्यों दरोगा साहब? दरोगा साहब, मां बहन की इज्जत के दुश्मन, आज के बाद अगर तूने कोई बेईमानी अकीना हो तो बत्ती सी तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगा। चल भाग यहां से, भाग। ये लो मौसी, और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो,
मैं बनारसी को छोड़ दूंगा। जीते रहो। छोड़! अरे रामू, हाँ लाइट को वहां रख दे जल्दी। अरे यार रिफ्लेक्टर को ऊपर रख, ऊपर गाड़ी पे जल्दी जाना है यार, जल्दी यार। ओ संगीता क्या बात है, किसकी राह देख रही है? न जाने बनारसी अब तक क्यों नहीं आया। ओ यार हमें शहर पहुंचना है, देर हो जाएगी तो रात हो जाएगी। जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई मिला जिसे चाहने को दिल करता है। ओ अगर तेरी चाह सच्ची है तो एक न एक दिन जरूर मिलेगा और झक मार के मिलेगा। और चले ठीक है। बनारसी मैं चाहता हूं कि तुम कानून से खिलवाड़ करना छोड़ दो। अगर कानून हमारी जिंदगी से खिलवाड़ करें तो हम क्या करें? वैसे तुम हमको पुलिस वाला नहीं लगा था, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं पुलिस वाला नहीं हूं? क्योंकि जिंदगी में पहली बार हमको ऐसा पुलिस वाला मिला जो गरीबों के साथ इंसाफ किया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुम कानून की वर्दी पहनने के बाद भी तुम कानून के बागी हो। मैं कानून का बागी? जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है वही कानून का बागी कहलाता है। ठीक समझा तुम्हें? अगर दोनों कानून के बागी मिल जाएं, दोस्त बन जाएं, ना ही मुजरिमों में हिम्मत रहेगी और ना ही कानून में कि वो गरीबों को सता सके, उन पर जुल्म ढा सके। जुर्म और कानून की दोस्ती, अरे एक मियान में दो तलवारें कैसे मुमकिन हो? मुमकिन हो सकता है। पहले तुम मुझे ये बताओ वो कौन सी मजबूरी है जिसके लिए तुम कानून के बागी हो गए? अब जब हम दोनों दोस्त बन ही गए हैं तो हम तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, तुमको सब कुछ बताऊंगा, कब कहां और कैसे हमारी दुनिया उजड़ी। डाकू जंगा ने आज तक इंसानों को लूटा है, लेकिन आज ये शैतान भगवान को लूटेगा और भगवान को कड़का करके इस धरती का भगवान बन जाएगा। आओ! रुक जाए जंगा, तुम साला कुटिया से लेके कोठी तक लूटा है, भगवान का ये मंदिर तो हम तेरे को लूटने नहीं देगा। इस धरती का भगवान मैं हूँ और जो बिकता नहीं उसे मैं खरीदता हूँ। आज ये तेरे सोने का भगवान बिकेगा, उसे पिघला कर मैं हसीनों के गले की माला बनाऊंगा और पैरों के घुंघरू बनाऊंगा। तेरे बाप का राज है ना, अरे जो दिन शिव जी का डमरू बजेगा तो तेरी हालत उस घुंघरू जैसी हो जाएगी जिसे तवाई भी अपने पैर में नहीं बांधती, इसे ठोकर मार के साला गंदी नाली में फेंक देती है। का समझा? साले मुंह चिपकली जैसा डायलॉग मगरमच्छ की तरह मार रहा है, लगता है तेरे मुंह में मौत की मछली डालनी ही पड़ेगी। और वो हंसता चला गया और आज तक वो हंसी हमारे दिल में आग बनकर चल रही है। अपनी इस आग को बुझाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून की दहलीज पर सर पटके और कहा कि हमारे पिता का खूनी जंगा है और कोई ना ही, लेकिन हमारी कोई ना सुनी। तब हमारा बचपन यकीन कर बैठा कि कानून जिसका नाम है वो एक जिंदा लाश है जो दिखावे के लिए सिर्फ इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है। यही वो पुलिस स्टेशन है
जो हमारे पिता हवलदार रहे। देखो दोस्त, दोस्ती की खातिर हम तुम पर अपनी जान निछावर कर सकते हैं, लेकिन इस भिखारी कानून के लिए अगर तुम हमसे हमारे दिल की एक धड़कन भी मांगोगे ना, तो तुम्हारे हमने बीच दलाल पड़ जाएगी। हाँ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे हमारे बीच कोई दरार पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि यही वो कानून है जिसने मुझे मेरे पिता से दूर किया, मुझे गैर कानूनी तरीके से जीना सिखाया। अब हम दोनों मिलकर कानून के ठेकेदारों का नामो निशान मिटा देंगे। क्या बताएं मंत्री जी, कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि कुआं प्यासे को फोन करके अपनी प्यास के बारे में बतलाता है। अरे जंगूरा साहब, हम तो आपके सेवक हैं, कहिए क्या काम है। ये तो बड़े अफसोस की बात है मंत्री जी कि आपके होते हुए हमारा दोस्त नंदू जेल की रोटियां तोड़ रहा है, उसे छोड़ाने को कोई इंतजाम कीजिए। अरे ये तो बहुत आसान काम है, सोच रहा हूँ ये काम उस कमिश्नर को क्यों ना दे दिया जाए। कमिश्नर? अरे वो तो कानून का गुलाम है, वो हमारी गुलामी क्यों करेगा। अपनी इज्जत की खातिर उस कमिश्नर की खूबसूरत और जवान बेटी है, उसे अपने पास बुला लीजिए, वो कमिश्नर अपनी इज्जत की खातिर आपका काम कर देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, या तो कमिश्नर नंदू को छोड़ेगा या उसकी बेटी को हम जिंदगी भर छेड़ते रहेंगे। हेलो पुलिस कमिश्नर स्पीकिंग। कमिश्नर, बेटी अगर घर पे टाइम पे नहीं पहुंचे तो बड़ी बदनामी हो जाती है। कौन हो तुम? नाम मत पूछो, इतना सुन लो कि तुम्हारी बेटी हमारे खजाने में नगीना बनकर जमा है। यू बास्टर्ड, ए गाली मत दे वरना ये गाली तेरी बेटी के ऊपर से गुजर जाएगी। आखिर तुम चाहते क्या? हाँ, नंदू की रिहाई चाहता है। ये नामुमकिन है। अब आया है नामुमकिन को मुमकिन बनाने का वक्त। अब कमिश्नर की बेटी मेरी शतरंज की चाल का मोहरा बनेगी। पुलिस इंस्पेक्टर कुंदन होना जो कानून का बागी हो चुका है। कुंदन, लड़की का सही सलामत होना इस बात का सबूत है इसके साथ कोई गुस्ताखी नहीं हुई, वरना तुम लोग ये अच्छी तरह जानते हो कि जो इंसान जेल की सलाखों से किसी को आजाद कर सकता है उसके एक इशारे पर तुम्हारा ये किला मिट्टी का ढेला भी बन सकता है। नंदू को जेल की सलाखों से छुड़ाकर तुम्हारी कानून से दुश्मनी और बढ़ गई है, और जो कानून का दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है। हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। आओ। डैडी, कुंदन ने आज मुझे बर्बाद होने से बचाया है, इन्होंने मेरी जान मेरी इज्जत बचाई है। तुम्हारी इज्जत बचाने के साथ साथ एक अंतरराष्ट्रीय मुजरिम का साथ देकर यह खुद एक मुजरिम बन चुका है। मैं आपके इस कानून को नहीं मानता जो अपनी बेटी की इज्जत तक बचाना सके। शायद आपके लिए आपका कानून आपकी शान होगी, लेकिन मेरे लिए मंजू को बचाना
मेरा धर्म था और रहेगा। ऐसे भी अपने धर्म का पालन तुम जेल के सलाखों के पीछे कर सकते हो। डैडी, अगर आपने कुंदन पर गोली चलाई तो पहले मेरी लाश गिरेगी। कुंदन, तुम चले जाओ, प्लीज चले जाओ, जाओ। आओ कुंदन आओ, पुलिस को तुम्हारी तलाश है और तुम हमारी तलाश हो, और जब दो गैर कानूनी जाबाज मिल जाते हैं तो गुनाहों के मैदान में झंडे गाड़ देते हैं। आज इस नए रिश्ते की शुरुआत है जंगूरा साहब। पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी और हम अपना काम करेंगे। पुलिस का काम है कौओं की तरह चौंच मारना और हमारा काम है बाजरा डालकर उन्हें गुमराह करना। आज गुनाहों के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ा है। इस खुशी में एक जश्न मनाया जाएगा जिसमें हुस्न तीर चलाएगा, इश्क घायल हो जाएगा और बेदर्द हसीना की अदाएं देखकर जमाना पागल हो जाएगा। अपना कहती हो।
बंदी गिरोह में इसलिए शामिल हुई हूँ ताकि अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं। अब मैं उनकी एक एक खबर तुम तक पहुँचाऊंगी। ये खबर नहीं हकीकत है सर। आखिर नेक इंसान को कानून ही गुनहगार बनाता है। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? इंस्पेक्टर कुंदन के बारे में। फर्ज पे मन मिटने वाला आज बहुत बड़ी मुजरिमों के साथ मिल गया है। लेकिन ये गुनहगार है कौन? वही जिसका आज तक आप बाल भी बाका नहीं कर सके। तुम ये कहना चाहते हो कि कुंदन उन मुजरिमों के लिए नासूर बन चुका था, इसीलिए उन लोगों ने उसे फंसाया और उसके बाप को जला डाला? सर जाते जाते मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप कानून की हिफाजत करते करते खुद एक गुनहगार बन गए हैं। अगर हो सके तो कन्हैया को बदलापुर से वापस बुला लीजिए, क्योंकि वो सारे मुजरिमों को पहचानता है। कन्हैया को बदलापुर से वापस लाना ही होगा। वो बदलापुर से यहाँ कभी नहीं आएगा। जेल से नंदू आ गया है, वो यहाँ से बदलापुर जाएगा। नंदू, तुमने बहुत अरसे से गुस्से और सबर के घूंट पिए हैं ना, लेकिन मैं किसी की मौत वक्त देखकर मुकर्रर करता हूँ। आप जानते हैं कि मेरे मुंह से आवाज नहीं आग निकलती है। अब बताइए, उसे मरने से पहले जलाना है या मरने के बाद? पापा, मैं तो कहता हूँ उस मोरे के हाथ पैर काट के उसके आँख के सामने जलाया जाए, कितना तड़पेगा ना वो। और फिर उसे भी आँख में झोंक देंगे, राइट? राइट पापू। और मैं उसकी राख को किसी गंदी नाली के पानी में बहा दूंगा। मौत हर हाल में अब उसका मुकद्दर होगी। कल उसके जिस्म से लिपटी आग की चादर होगी। लेकिन हमारे ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। आज अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है हम सबका भरोसा हासिल करना। लेकिन उसे मारने मैं अकेले जाऊंगा। नहीं, ना अकेला चना बाड़ फोड़ सकता है, ना ही तुम अकेले उसका सीना फाड़ सकते हो। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। हमले में तुम सबसे आगे रहोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मरने से पहले वो तुम्हें देखे, ताकि मरने के बाद भी उसकी आत्मा परेशान रहे। ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं है, मगर मुझे तब अच्छा लगेगा जब कोई मेरे बारे में ख्वाब देखे। क्यों, मेरा ही ख्वाब देख रहा था ना? रामजादे कुत्ते, मैं तेरे ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूँ। तो मैं तेरी हकीकत को इस दुनिया से मिटा दूंगा। वो भी तेरा ख्वाब रहेगा, क्योंकि आज मैं तेरे ख्वाब और सारे अरमानों को जलाकर राख कर दूंगा। वैसे तो ये बंदूक तेरी जिंदगी का दिया बुझा सकेगी, लेकिन ये उस मिट्टी का जवाब नहीं जिसमें डालकर तूने मेरी इज्जत की मिट्टी पलित की थी। तो मरेगा, जलकर मरेगा। और हाँ, मरने से पहले मुझसे भी मिल लो जो सबसे पीछे है, लेकिन तुम्हारी मौत का बीड़ा उठाने में सबसे आगे है। कुंदन, तुम भी हैरान क्यों होते हो कन्हैया? कानून का बागी गलत रास्ते पर ही चलता है। नंदू, पूरे घर को पेट्रोल में भिगाकर आग लगा दो। चलो। जाते जाते ये गैर कानूनी फर्ज भी पूरा कर देता हूं। कमिश्नर साहब, आओ। हमेशा की तरह आज भी देर से आयो। ये किसका घर चल रहा है? देखो, बिना वर्दी के कानून की रक्षा करने पर तुला था वो। जिंदा जला दिया क्या मेरे दोस्त कन्हैया को? क्या? बेटी, जो दूर चला जाता है उससे लौटाया जा सकता है,
लेकिन जो बहुत दूर चला गया उसे कैसे लौटाया जा सकता है? भूल जाओ उसे। नहीं डैडी, मैंने कन्हैया से प्यार किया है, आप मुझे अपने हाथ पर छोड़ दीजिए। मैं जा रहा हूं मेरे दोस्त, इस गांव से बहुत दूर, जहां तुझ जैसे दोस्त की याद नहीं आएगी। लेकिन आज मैं अपने बाप की सौगंध खाकर कहता हूं, जिस दिन वो लोग मुझे मिल गए, जिन लोगों ने तुझे जिंदा जलाया है, मैं उन मादरजादों को उनके खानदान के साथ जमीन में दफन कर दूंगा। आज से देश और कानून के दुश्मन दोनों मेरे जाति दुश्मन हो गए। वो लोग मुझे तेरे पास भेजना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं मालूम होगा कि उन्हीं को मानने के लिए तूने मुझे दोबारा जन्म दिया है। आज से ये रंगबाज कानून तोड़कर ऐसा रंग दिखाएगा कि उन सबकी आंखों में मौत का अंधेरा छा जाए। गाँव से शहर आने वालों का सभी का एक ही मकसद होता है और वो है नौकरी। चलो मैं तुम्हें पापा से मिलाती हूँ। जी आइए ना, आइए ना। जी अरे ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि मेरी बेटी की शादी उसके बेटे से ही होगी, मगर मुसीबत यह है कि मेरी बेटी एक है और तुम लोग दो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों आपस में फैसला कर लो कि मेरा दामाद कौन बनेगा। डैडी अरे बेटी आओ 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 आओ। अरे ये साथ में तुम्हारे कौन है? ये बनारसी बाबू हैं। नमस्ते। बहुत भले आदमी हैं, इन्होंने मेरी मदद भी की है। आप इनको कोई नौकरी दिलवा देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई तुम काम क्या जानते हो? जी गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ना और लोगों का भला करना, बस यही दोनों काम आता है हमका। अरे वही ये काम हमारा है नेताओं का, ये तुम हम पर ही छोड़ दो, ये नेतागिरी तुम्हारे बस की बात नहीं है। संगीता तुम इसे ले जाओ और हमारी सोसाइटी में उठने बैठने लायक बनाओ। चलो बनारसी। इनकी बातों का बुरा मत मानना, इन्होंने गांव का वो भोलापन नहीं देखा जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। हाँ इतना तो समझ गया हूँ कि हम अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच गया हूँ, अब सिर्फ इतना देखना है कि मंजिल आती कब है। मिस्टर मल्होत्रा। यस मैडम। आप इन्हें टेलर का एड्रेस देकर टैक्सी में बिठा देना। अच्छा मैडम आइए। जयराम जी। अरे भैया और कितना समय लगेगा? अरे सबर करो भाई, मशीन ठीक कर रहा हूं। अरे जल्दी करो, हमको कपड़े सिलवाने हैं। क्या हुआ? चल भाग चल भाग चल। अरे भैया जल्दी करो। अरे कन्हैया। अब कौन कन्हैया? अब मैं कन्हैया नहीं हूं। हाँ तुम कन्हैया कैसे हो सकता? कन्हैया तो मर चुका है। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। हाँ। तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया था कि तुम्हारी गाड़ी में किसी ने बम रख दिया और तुम्हें पता तक नहीं चला? अब ये शहर में मेरा नया दुश्मन कौन है? हेलो हेलो जंगूरा।
वही जिसने तेरे बेटे की गाड़ी में बम रखकर तेरी मगरूर खोपड़ी में जलजला पैदा कर दिया है। कौन बोल रहा है? तू आज जुर्म के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है। जिस दिन तुझे ग्राउंड फ्लोर में लाकर मारूंगा ना, उसे नाम और पता दोनों बता दूंगा। एक बार मुझे अपना नाम और पता बता दे तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बात करता है। मैं तो तुझे सीधा जमीन में काट दूंगा, क्योंकि मैं जुर्म की दुनिया का बादशाह हूं कमीने। आई एम द किंग एंड आई एम दैट मैन जो तुझ जैसे बादशाहों को भिखारी बना देता है। समझ में नहीं आता आखिर ये है कौन? ये कोई दो नंबर का धंधा करने वाला हो सकता है। हाँ, या तो फिर इनका कोई पुराना दुश्मन होगा। अरे नहीं, इनके दुश्मनों में इतनी ताकत कहाँ? ये तो कोई पुलिस वाला लगता है। अरे पुलिस में ऐसा कौन सा मर्द पैदा हुआ है जो हमसे टकराना चाहता है? अरे जो भी हो, बहुत ही खतरनाक है। नाक के मुंह से निकलता हुआ मौत का वो झाग है, मतलब बहुत स्ट्रांग है। देशद्रोही और आतंकवादियों का पर्दाफाश करेगी रीडर सीमा? क्यों ये लड़की मौत को दावत दे रही है? मैं मौत से नहीं डरती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जुल्म करने वालों का अंत हो जाए। उनका अंत भी ठीक उसी तरह होना चाहिए जिस तरह उन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया था। जरूर होगा, मेरे पास उनके खिलाफ कुछ सबूत है। अगर कुछ सबूत और मिल जाए तो उनको फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा सकता। सबूत तो जरूर मिलेगा और आज ही रात मिलेगा। आओ मेरे साथ। जिसकी वजह से कानून हमें मारने को तैयार है वो कोई और नहीं, सीमा नाम की पत्रकार है। हाँ, कलम से खेलने वाले भी धमाका करने लगे। हम उसी की कलम को तलवार बनाकर उसकी गर्दन उड़ा देंगे और कफन की जगह हम उसे अखबार में लपेट कर दफन कर देंगे। लेकिन ये मत भूलो कि अखबारों के धमाकों ने आजकल बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी हिला डाली है। तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें और अपनी गर्दन कटने दें? कल वो सबूत सरकार को दिखाएगी, हम सब लटक जाएंगे फांसी के तख्ते पर। ओए माँ, तो फिर मेरी भरी जवानी का क्या होगा? अरे मैं तो बोलता हूँ वो प्रेस रिपोर्टर जरूर किसी पुलिस वाले से मिली हुई है। बंद करें बकवास। गोगा, तुम सीमा को खत्म कर देना। भीमा, तुम माल गोडाउन में पहुंचा देना। तुम माल की निगरानी रखना। नंदू, तुम मेरे साथ आना। और किरण, तुम आज रात के प्रोग्राम की तैयारी करो। लेकिन जगुरा, प्रेस रिपोर्टर को मारने का मतलब कानून के साथ खुला ऐलान जंग करना। बेहतर तो ये होगा कि हम में से कोई जाकर सबूत ले आए तो पुलिस और वो प्रेस रिपोर्टर दोनों ही हाथ मलते रह जाएंगे। हम में से तुम भी तो हो, तो ये काम तुम क्यों नहीं करते? ये काम बहुत छोटा है, चुटकी बजाते ही हो जाएगा। वैसे अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। Thank you.
आज तक जब मैं जान देकर कानून की मदद करता था, वही आज मुजरिमों के खिलाफ सबूत चोरी करके कानून के हाथ काट। बहुत बुरा लगता है जब नशे में डूबा हुआ आदमी लोगों से कहता है कि शराब मत पियो। क्या मतलब? मतलब ये, तुम कौन से दूध के धुले हुए हो? तुम भी तो मुजरिम हो। कानून की नजरों में तुम मर चुके हो, फिर क्यों कानून से छुपकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो? हाँ, इसलिए जब मैं दोबारा उस वक्त जन्म लूंगा जब मैं अपने दुश्मनों को जिंदा दफन कर दूंगा, और मैं भी दिमाग की तरह उनका साथ इसलिए दे रहा हूं कि एक दिन मौत बनकर उन सबको चाट जाऊंगा। ये सारे सबूत अगर उनके हवाले कर दिया तो उनका भरोसा मुझ पर बढ़ जाएगा। मैं उनकी जड़ों में नफरत का जहर उड़ेलना चाहता हूं। जड़ों में जहर तुम उड़ेलो, मैं उनके कफन का बंदोबस्त करता हूं। तुम कफन का बंदोबस्त करो और मैं उन्हें दफनाने के लिए दुनिया की सबसे नापाक जगह तलाश करूंगा। डन डन। हरामजादे, मैंने तुझे गोडाउन की निगरानी रखने के लिए कहा था और तू साला यहाँ पे तुम हिला हिला के मेरे तलवे चाट रहा है। अरे गलती हो गई, गलती हो गई, मुझे माफ करो। अपने मैले दिल को मेरी तरफ से साफ करो। लेकिन तेरी गलती की वजह से मेरी तो बारात निकल गई ना। अरे बारात निकली है, कोई जनाजा तो नहीं निकला है ना? जनाजा तो उसका मैं निकालूंगा जिसने मुझे कंगाल बनाया। मेरे किए हुए धमाकों की आवाज कुछ तक तो पहुंच गई होगी जंगूरा। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे भिखारी बना दूंगा, आज तू भिखारी बन गया। अरे एक बार तू मेरे सामने तो आ जा। मैं तुझे बहुत धीरे धीरे मारूंगा जंगूरा, क्योंकि जो मौत धीरे आती है ना वो बहुत भयानक होती है। अरे मैं तुझे बताता हूं कि मौत किसकी आती है और कितनी तेजी से आती है। अब आ गया है वक्त आमने सामने होने का। जंगोरा, अब हमारे फैसले का क्या होगा और मेरे कमीशन का क्या होगा? डैड, अब हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा सारा नुकसान पूरा हो जाए। मैं बताता हूँ। ट्रेन डकैती। जंगोरा साहब, कल सरकारी खजाना ट्रेन से जा रहा है, हम उसे लूट लेंगे। बिल्कुल सही बात है। देश हमारा, देश का खजाना भी हमारा, देश की मिल्कत भी हमारी। तो मंत्री से बात करो। वक्त हो, अरे सरकारी खजाने को चलती गाड़ी से लूटना क्या फाड़ू प्लानिंग है? चूना लग जाएगा मेरे पॉलिटिकल कैरियर को। उस वक्त तेरा कैरियर कहाँ गया था मंत्री, जब तू इलेक्शन के लिए डैडी से पैसे लेता था? हाँ, रोते रहना अपने कैरियर पर, अभी तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चल। अरे रुको रुको रुको, देखो इस काम में मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए इसमें, समझे ना? नहीं तो मेरी एक बात तू भेजे में डाल ले। हमने तुझे मंत्री इसलिए बनाया कि तू गैर कानूनी काम में हमारी मदद कर सके। और सुन, इंस्पेक्टर देवराज है ना, देवराज, उसको ट्रेन में जाते हुए खजाने की निगरानी पर रख दे, समझा क्या? ट्रेन हम जहाँ चाहेंगे वहीं रुकेगी। हाँ, नहीं तो बैठे के बैठे रहोगे और कुर्सी यूं खुसक जाएगी। ठीक है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुझे ये रिस्क तो उठानी पड़ेगी। कल ट्रेन रुकेगी, तुम लोग जिधर जाओगे ना उधर रुकेगी। मैं सच कहता हूँ संगीता, तुम्हारे बापू नेता नहीं डाकू है। उन्होंने तुम्हारे मंगेतर के साथ मिलकर ट्रेन में जाता हुआ सरकारी खजाना लूटने का प्लानिंग किया है। तुम मेरे पिताजी से, तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे डैडी की प्लानिंग को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं गोगा और दावा को संभालूंगा, तुम इंस्पेक्टर पर नजर रखना। ठीक है। मैं कन्हैया। कन्हैया? अरे तुम तो मर चुके थे। अगर मैं मर गया होता तो तुझे नरक कौन पहुंचाता? लेकिन मुझे नहीं मारना,
मैं अभी तक कुंवारा हूँ। अगर जिंदा रहना है तो कल ट्रेन डकैती वक्त जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना। हाँ हाँ, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगा, लेकिन मुझे मारना नहीं। अगर ट्रेन रुक गई तो याद रखना कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। क्या बात है, ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? ट्रेन अपने समय पर आएगी। ओ साला कन्हैया, बड़ा रंग दिखा रहा था, बोलता था गाड़ी रुकेगा तो गोली मार दूंगा। ए इंजन ड्राइवर, इधर मैं बोलेगा ना उधर गाड़ी रोकने का। हाँ कन्हैया, तुम रंगबाज जब अपना रंग दिखाता है तो तुझ जैसे इंसान का मुंह काले कुत्ते जैसा हो जाता है। हाँ चल, जैसा मैंने कहा था वैसा ही कर। ठीक है, मैं चलाता हूँ। लो, अरे ये क्या, ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं? क्यों नहीं रुकी? फॉलो हिम। हमारा आदमी होकर हम पर ही फायरिंग कर रहा है। लगता है इंस्पेक्टर पुलिस से मिल गया है। हाँ। सोच क्या रहे हो, उड़ा दो साले को। किसने मारा, किसने मारा है मेरे बेटे को? डैडी, गोगा को कन्हैया ने मारा है। क्या बकते हो? यह सच है जंगूरा, वो तो जलकर राख हो गया है। जल्दी राख से उसने फिर जन्म लिया जंगूरा साहब। हम उसे फिर जलाएंगे, बार बार जलाएंगे, देखता हूं कितनी बार जन्म लेता है वो। कसम है मेरे बेटे की चीता की, जो मैं अभी अभी जला कर आया हूं, मैं उस हरामजादे को यहां पे 3 दिन के अंदर लाकर फूकूंगा। यहां 3 दिन में चीता जरूर फूकी जाएगी, पर वो चीता तेरी होगी। भून डालो साले को। खबरदार, एक चीता तो जला चुके हो, दूसरी चीता भी आज ही जलानी है जंगा डाकू। जंगा डाकू? हाँ, वही जिसने बदलापुर के हवलदार को मारकर उसके इकलौती निशानी को अपने यमदूत के रूप में छोड़ आया था। देख, वही निशानी आज मौत बनकर तेरे सामने खड़ी है। तो आज उसकी वो निशानी को भी मिटा देता हूं। रुक जा, ये गलती तू नहीं करना नंदू, वरना जंगूरा की लाश यहीं गिरेगी। तुम मेरे साथी होकर? हाँ, मैं तुम्हारे लिए इसलिए काम कर रहा था ताकि तुम जैसे देशद्रोहियों की जड़ तक पहुंच जाऊं, जो दिमाग की तरह देश को खोखला कर रही है। और तुम हमें 2 नहीं 3 समझना, 3 रंगबाज। ऐसा रंग दिखाएंगे तुम्हें कि तुम्हारा मुंह खुला के खुला और आंखें फटी की फटी रह जाएगी।
नहीं, जब अपना ही आदमी विश्वासघात करे तो लड़ाई ताकत से नहीं अकल से लड़नी चाहिए। मंजू, कन्हैया की याद में आंसू बहाना छोड़ दो। मंजू, वो जिंदा है। मुझे बहलाने के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलो कुंदन। कन्हैया, कन्हैया तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। प्यार करने वाले इतनी आसानी से नहीं मरते मंजू। कन्हैया, आज मैं तुम्हारे जिंदा होने की खबर देकर डैडी की आंखें खोल दूंगी। नहीं, ये गलती नहीं करना, वरना वो हमें ये साबित नहीं करने देंगे कि हम उनसे ज्यादा कानून के वफादार हैं। क्या बात है कमिश्नर साहब, शहर में चारों तरफ खून खराबे हो रहे हैं, लूटमार मची है, मगर लगता है जनता की आवाज को बेकार की आह और पुकार समझकर आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। सर, जिस आदमी ने आपकी बेटी की जान बचाई है वो मुजरिमों से मिला हुआ है, कहीं इसी एहसान के बदले आपने उसे खुला रहने की छूट तो नहीं दे रखी है? सर, इस सवाल का जवाब मैं सही वक्त आने पर दूंगा, फिलहाल मैं खुद परेशान हूं कि वो गया कहां। वो इसी शहर में है और धड़ाधड़ जुर्म पर जुर्म किया जा रहा है, और आप एक आंखों पर पर्दा और कानों में तेल डाले बैठे। बताइए कहां है वो? बताऊंगा, क्योंकि मेरे बताने का सही समय आ गया है कि कुंदन कहां है। कुंदन, भागने की कोशिश मत करना, तुम चारों तरफ से घेर चुके हो। डाकू जंगा तू? कल का डाकू जंगा आज का जंगूरा हो गया है। कल तक मैं गांव और कस्बों को लूटता था, आज पूरे देश को लूट रहा हूं मैं। अच्छा हुआ तो मेरे कब्जे में आ गया, अब तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं तेरी जाल में नहीं फंसा हूं, कानून आकर मेरे फंदे में फंसा है। देख, तेरे आदमियों को बोल के खिलौने फेंक दे। हथियार फेंक दो। और तुम हमारे लिए बड़ा कीमती मोहराओ कमिश्नर, वो तीन रंग बाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए। देखा कमिश्नर, हमारी प्लानिंग नंबर वन कैसी रही? लगा दिया ना चूना आपके कानून का। अब देखना हमारी प्लानिंग नंबर टू कैसे उन तीनों को हमारी ठोकरों में लाकर डालेगा। कमिश्नर माथुर का अपहरण करने वाले कई नहीं, सिर्फ तीन लोग हैं। इनमें से सबसे पहले नाम है कुंदन कपूर। नंदू नाम के खतरनाक मुजरिम को जेल से फरार करवाने का इसके ऊपर इल्जाम है, और दूसरा है बदलापुर का नामी गुंडा बनारसी। बदलापुर पुलिस थाने में शायद ही कोई ऐसी फाइल हो जिसमें इसके खिलाफ कोई जुर्म दर्ज ना हो। और तीसरा नाम है कन्हैया, वो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मर चुका है। पुलिस को धोखा देने के बाद आजकल उसका असामाजिक तत्वों के साथ गहरा संबंध है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये तीनों नजर आ जाएं, तो फौरन इन टेलीफोन नंबर्स पर पुलिस को इत्तला करें। 84। ये सब जंगूरा की चाल है, पुलिस को हमारा दुश्मन बनाने के लिए उसने ये चाल चली है, मगर शायद वो ये भूल गया कि मैं उसके सारे ठिकाने जानता हूं। मंत्री के बच्चे, पहले ये बता कहां छुपा रखा है जंगूरा ने कमिश्नर साहब को? कसम मां की, मुझे नहीं मालूम। अपने माँ बाप बाद में गिनवाना, पहले ये बता कहां है पुलिस वाले। क्या कह रहे हो तुम लोग, कसम से मैं नहीं जानता। अगर तुम सही तरीके से नहीं बताओगे तो हमारे पास और तरीके हैं तुम्हारे मुंह खुलवाने के। कमिश्नर साहब और पुलिस वालों को तो तुम लोग उठा ले गए हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो, क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? ज्यादा में ज्यादा जान ही ले लोगे ना? ले लो, ले लो। अरे मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, देश की खातिर जान दे दूंगा, लेकिन गलत बात को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, खबरदार, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट।
आइए साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन तीनों देश के दुश्मनों को। ये तीनों मेरे पास आए थे उन पुलिस वालों की जान की सौदेबाजी करने के लिए। हाँ चलो। जी साहब, अगर आपने उन तीनों रंगबाजों को मेरे हवाले नहीं किया तो हर 24 घंटे में एक पुलिस वाले की लाश पुलिस स्टेशन भेजी जाएगी। तुम उन्हें छोड़ दो, हम पुलिस वालों को छोड़ देंगे। इसे मजाक नहीं, हकीकत समझना। भाई जी साहब, उन तीन रंगबाजों के लिए हम सारे पुलिस वालों को लहू के लाल रंग में नहीं रंग सकते। आखिर पब्लिक को जवाब तो हमको ही देना पड़ेगा ना, नहीं तो पब्लिक हमारा चूना लगाकर ऐसी तैसी कर देगी हमारी। यहाँ कुछ भी हो मंत्री जी, हम गैर कानूनी तरीके से उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते। मैंने चैलेंज दिया कमिश्नर कि अगर वो तीनों रंगबाज मेरे हवाले नहीं कर दिए गए तो हर रोज एक पुलिस वाले की लाश मैं कानून के नाम पे पार्सल करता रहूंगा। याद कर ले अपने भगवान को, क्योंकि आज के बाद तुझे उसकी पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा। कानून ही मेरा भगवान है और उसी ने मुझे ड्यूटी पर कुर्बान होने का सबक सिखाया है। कानून का चिराग लेकर तू हमेशा अंधों की तरह रास्ता तलाश करता रहा और भटकता रहा। कन्हैया ने सच बोलना चाहा तो तूने अपनी आंखों पे इंसाफ की पट्टी बांध दी। कुंदन ने तेरी बेटी की जान बचाई तो तूने फर्ज की शराब पीकर उसे फिर से मुजरिम बना दिया। बेचारा कुंदन धोबी का कुत्ता बन गया। और वो बदलापुर का हवालदार याद है ना, जिसे मैंने मारा था, उसी का बेटा ये बनारसी। वो गरीबों के लिए कानून से लड़ता रहा और तेरे कानून ने उसे क्या दिया? एक खतरनाक गुंडे का खिताब। कन्हैया को तेरे कानून ने क्या दिया? अपनी महबूबा से जुदाई और दर दर की ठोकरें। आज वो बेचारा जिंदा रहकर भी मरा हुआ है। क्या वो जिंदा है? हाँ वो जिंदा है, और उस कमीने ने मेरे कारोबार को खत्म कर दिया है। वो तीनों तुम्हारे कानून का एहतराम करते रहे, लेकिन तुम्हारा बेरहम कानून तुम्हें बचाने के लिए उन तीनों को मेरे हवाले कर देगा। बाद में उन तीनों को मैं ऐसी खतरनाक मौत मारूंगा कि मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। सच्चाई की आवाज जिंदगी भर तुम जैसे बहनों को सुनाई नहीं देती। सुनाई देती है उस वक्त जिस वक्त फांसी का फंदा उसके गले में पड़ता है, बस मौत से कुछ ही देर पहले। मौत के मुंह में जाते जाते मुझे मेरी मौत याद दिला रहे हो। रुक जाओ, अगर आपने कमिश्नर साहब को मार दिया तो वो तीनों कभी आपके हाथ नहीं आएंगे। अगर आपको मारना है तो मुझे मारिए। अच्छा, तो पुलिस वालों में अकल भी होती है। एनीवे गुड लक, क्योंकि तुम शहीद होने जा रहे हो। अरे भेज दिया ना आखिर जंगूरा ने पहली लाश का तोहफा। अरे अगर इसी तरह पुलिस वालों की लाशें आती रही ना तो क्या होगा मेरा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? अगर तुम इन्हें नहीं भेजते ना तो फिर मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे लेता हूँ। ठीक है मंत्री जी, हम कमिश्नर साहब और पुलिस वालों की जान बचाने के लिए इन तीनों को जंगूरा के हवाले करने को तैयार है। मंत्री आओ। जंगूरा साहब। हाँ। मुबारक हो जंगूरा साहब, प्लान नंबर 2 की तरकीब रंग ले आई है। कल सुबह में पुलिस उन तीनों को आपके पास ले आएगी। हाँ। आपका काम भी हो गया और मेरी कुर्सी भी बच गई है। मंत्री जी, आपकी अच्छी चाल चलन का सरकार आपको पुरस्कार देगी, लेकिन इसके पहले हम तुम्हें अपनी चाल नंबर 3 का एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। ले गए उसको। ये खूबसूरत बला का सिर्फ इतना ही कसूर है कि ये कमिश्नर की बेटी है। आ, आ, आ। और ये है रवि की खूबसूरत चाल, जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हमारे साथ मिलकर हमारे खिलाफ काम कर रही थी। और मंत्री जी, जो काम गोगा नहीं कर सका वो मैं तुम्हारी बेटी के साथ करूंगा। क्या जंगूरा, अरे मेरी बेटी को यहाँ क्यों लाया? तेरी बेटी के साथ तेरी भी हेराफेरी बंद हो जाएगी मंत्री। क्या मतलब? जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो हमारे साथ क्या वफादारी करेगा? मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। जिंदा बचोगे तब ना। अरे पर ले जाओ इसे और कमिश्नर के साथ बंद कर दो। जा। छोड़ो, छोड़। अरे, अरे। अब आज का दिन उन तीन रंगबाजों के इंतजार में काटना मुश्किल हो रहा है,
तो क्यों ना तुम तीनों मिलकर इस आज को इतना रंगीन बना दो कि जिंदगी भर याद रहे। तेरी भी जिंदगी सिर्फ एक ही दिन की है जंगूरा, मौत के फरिश्ते आते ही होंगे। तेरे आंखों में अंधेरा छा जाएगा जब तेरी पाप की हुकूमत को उड़ाने तूफान आएगा। मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरी मुट्ठी में दुनिया है, क्योंकि आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। जंगूरा गड्ढा, जाओ और ललकारो। और क्या ललकारो, मैं फिल्म डायरेक्टर को घसियारा नहीं हूँ। जब चाहे किसी फकीर को बादशाह बना दिया और किसी डरपोक को रॉबिनहुड बना दिया, समझे? तुमने मुझे नकली पुलिस वाला बनाकर इन डाकों के सामने क्यों खड़ा कर दिया? देश की खातिर। फिल्म के इतिहास में शायद तुम्हारा नाम ना लिखा जाए, लेकिन देश के इतिहास में तुम्हारा नाम जरूर लिखा जाएगा। मरवाओगे तुम, जरूर मरवाओगे। अभी बंद करो ये सब, आवाज बुलंद करो, एसपी बनो और जाओ। और चल वह हरा सिंह शहीद हो। और जंगूरा, हमने वादे के मुताबिक तुम्हारे तीनों आदमियों को इधर लेकर आए हैं, इन तीनों रंगबाजों को खत्म करने का इंतजाम करो। ठीक है, भेज दो उन तीनों को। ये है वो तीनों रंगबाज
मेरा जुल्म दहशत और चलाकी देखकर इनके हलक में फंस गई है आवाज, और इनके मरते इस देश पर होगा मेरी हुकूमत का आगाज। आई एम द किंग। आगाज तू कर, अंजाम तक हम तुझे ले जाएंगे। Thank you.